Hello, my dear friends. Today I bring you another topic of section 377 of IPC. लगातार न्यूज में रहा है जिसका मेन रीजन है LGBTQ कम्युनिटी. दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट. दे एक्चुअली यूज टू स्ट्रगल अलॉट. दे हैव गॉट देयर राइट नाउ. दे वर डिमांडिंग देयर लाइफ विद डिग्निटी, इक्वालिटी, एट द सेम टाइम वेरियस राइट्स ऑल्सो. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वॉट दीज LGBTQ कम्युनिटी मीन्स, राइट? LGBT, here in LGBTQ, L stands for lesbian. Lesbian means when a woman, homosexual woman, has a sexual attraction towards women. एक लड़की अगर लड़की को पसंद करती है, which means she is a lesbian. Gay मतलब एक लड़के को लड़का पसंद आ रहा है. We call them gay, right? Bisexual, which means you have a sexual attraction towards male as well as female. अगर आपको दोनों पसंद आते हैं, bisexual. Transgender has a different connotation. Transgender, which means I have a physical appearance of a man. मैं दिख तो रहा हूँ आपको boy के जैसा, man के जैसा, पर मेरे अंदर की feelings सारी women के जैसी हैं. That's what transgender means. Queer, which means I am neither man nor women. आप इसको एक example समझ सकते हैं. जैसे मेरी body का above का half torso वाला part जो है man की तरह develop हो गया है, below part women की तरह develop हो गया है. तो किसी दोनों की तरह भी feelings नहीं है. ये कम्युनिटी लगातार लड़ रही थी अपने राइट्स के लिए. उसी का वो रीजन था, रिपील करना चाह रहे थे सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को. बिफोर गोइंग टू व्हाट सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इज, थोड़ा समझते हैं कि ये ट्रांसजेंडर और इंडिया में इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है क्या. ट्रांसजेंडर कल्चरली आप कह सकते हो सिनोनिम्स हैं. अनदर वर्ड से कॉल्ड हिजड़ा ऑल्सो हम लोग बोलते हैं. आप लोग के घर पे भी कई बार ऐसा होता होगा, अचानक से कोई बेबी होता है, शादी होता है, तो वो घर पे आ जाया करते थे, उसका खूब नाचना गाना करके चेक करते थे कि बच्चा कैसा है कई बार. और अगर उनको लगता था कि वो उनके जैसा, तो उसको उठा के भी कई बार ले जा लेते थे. उसी को हम लोग अलग अलग शब्दों में, इट्स अ डेरोगेटरी वर्ड रादर, कई जगह पर उसको हिजड़ा, कुछ लोग जगप्पा, किन्नर बोलते हैं, कुछ लोग छक्का, रावणी, अराविकु और वॉट नॉट, अलग अलग नाम से अलग अलग पुकारते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ माइथोलॉजिकल और एंशियंट टाइम में भी कोई हिस्ट्री नहीं है. द बेस्ट एग्जाम्पल्स कैन बी सीन डायरेक्टली इन द कामसूत्रा, बेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑन एरोटिसिज्म पे बहुत अच्छी बुक थी वात्स्यायन की, कामसूत्रा, जिसमें उन्होंने बताया था कि दे यूज टू एक्सेल एट इन सॉन्ग एंड डांसेस बोथ. इसके पहले एक लॉर्ड रामा की भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जिन्होंने बताया था, जब लॉर्ड राम वनवास के लिए 14 साल के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ मैन वेमेन सब एक साथ जा रहे थे उनको छोड़ने के लिए. तब भगवान राम ने एक टाइम आगे बोला कि अब एक काम करिए, आप अपने वापस घर चले जाइए. तो उन्होंने बोला गो बैक टू योर होम मैन एंड वेमेन. तो उसके कारण क्या हुआ, सारे आदमी और औरत तो घर वापस चले गए, पर ये ट्रांसजेंडर और इजलास वापस नहीं गए. 14 साल उन्हीं का वेट करते रहे जंगल में, फिर साथ में वापस आए. ये स्टोरीज हैं. आज भी आपके यहाँ बहुत सारे नाचने गाने वाले मिल जाते हैं, कई बार बैगिंग करते हुए मिल जाते हैं, वही हैं ये सारे हिजड़ास. यू कॉल देम ऑल्सो ट्रांसजेंडर्स. ये टोटल LGBTQ कम्युनिटीज अभी स्ट्रगल करती है. अच्छा, 377 सेक्शन ऑफ आईपीसी है क्या, उसको देखते हैं हम लोग. और ये आया कहाँ से, राइट? इसके लिए यू नीड टू अगेन गो बैक टू द कॉलोनियल पीरियड. सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन 1866. It was introduced by British in 1861. और उन्होंने क्या बोला, ये सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी था क्या? उन्होंने बोला कि एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी इज पनिशेबल विच इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ नेचर. व्हेन दे सेड कि अगर आप कोई सेक्शुअल एक्टिविटी करते हो प्रकृति के नियम के विरुद्ध, प्रकृति के नियम के विरुद्ध का मतलब मेनली था ओरल सेक्स और एनल सेक्स. तो वहां उन्होंने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ नेचर विथ मैन, वुमेन और इवन एनिमल. अगर आप एनिमल के साथ भी गलत सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, वो भी पनिशेबल ऑफेंस था. कितना, कई बार आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती थी और कई बार डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली 10 साल तक की सजा हो सकती थी. ये ब्रिटिशर्स ने लेके आया उस टाइम पे. अच्छा, लेके तो आ गया, लेकिन इसके रेमिफिकेशन हमको कैसे देखने मिले. आज भी आप देखते होंगे कॉन्स्टेंटली दे आर बींग अब्यूज एंड हरास्ड बाय द लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज. कई बार बहुत सारे मेडिकल आपको लिटरेचर्स वगैरह और पुराने डॉक्यूमेंट्स को पता चलते हैं कि दे आर द वन हु आर हाईली डिप्रेस्ड कम्युनिटीज. सोशल स्टिग्मा, मेंटल ट्रॉमा, सोसाइटी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है. आपकी मम्मी से आप बोल दो कि मम्मा मुझे एक लड़का पसंद है, आपकी मम्मा तुरंत आपको डांट देगी और किसी बाबा के पास ले जा देगी, बोले कि बेटा झड़वा के आते हैं आपको, आप तो पागल वागल हो गए हो शायद. वही हाल है, वॉयलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बता ही नहीं पाते कि उनका खुद का जेंडर क्या है क्या नहीं है.
ये सब प्रॉब्लम्स के चलते फाइनली कुछ अलग 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 एनजीओज अपने सामने आए और उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया, बोला कुछ नहीं करके हमारे बेसिक राइट्स तो हमको दिलवा दीजिए। इसकी टाइमलाइन शुरू हुई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस है नाज फाउंडेशन का, एक एनजीओ था जिसने पिटीशन लगाया दिल्ली हाई कोर्ट में, 2009 में उसका वर्डिक्ट आया जिसने डायरेक्टली सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। उसका मतलब ये बोला कि आज के बाद अगर सेक्शन 377 जो है उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ काम करते हैं तो आप पे ये चार्जेस नहीं लगेंगे सेक्शन 377 के, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज वेरी गुड इनिशिएटिव, अप्रिशिएबल, बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स अगेन 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन गया, सुरेश कुमार कौशल ने डाला वर्सेज नाज फाउंडेशन। सुरेश कुमार कौशल ने बोला नो, इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी और हमारी कल्चर के अगेंस्ट है, इसी कारण यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नाज फाउंडेशन के ऑर्डर को सेट असाइड किया, ओवरटर्न किया और बोला कि नो, होमोसेक्सुअलिटी वुड बी फर्दर कंटिन्यूड एज इलीगल एंड पनिशेबल ऑफेंस। इसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं था फिर से हमारे पास एलजीबीटी कम्युनिटी के पास, वो फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। अगेन एक लैंडमार्क जजमेंट आता है जो कि मैंने आपको पिछले किसी क्लास में बताया, एक पुट्टा स्वामी जजमेंट जिसमें हमने बताया था राइट टू प्राइवेसी नाउ बिकेम द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर पार्टिकल 21। इस राइट जैसे ही ये राइट आया इसमें आपकी राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो गई। जब राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट हुई तो फिर से एलजीबीटी कम्युनिटी इस केस का यूज करके सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन लगाने गया, बोला हमारी भी तो राइट टू प्राइवेसी है, मुझे थोड़ी पता है कि मैं एक लड़का हूं तो मुझे लड़का पसंद आ रहा है, ये मेरे ऊपर तो नहीं है, मैं नहीं चाह रहा हूं लेकिन आ रहा है तो क्या करूं, मेरी प्राइवेसी तो बचा के रखो और मैं कमरे के अंदर क्या कर रहा हूं ये किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए। तो अगेन द फिनोमिनल नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको यूज करके बोला कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी वुड बी नाउ कंसीडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब इसके बाद अगर एक गे चाहे तो गे के साथ रिलेशनशिप बना सकता है, लेस्बियन चाहे तो लेस्बियन के साथ, ट्रांसजेंडर चाहे तो ट्रांसजेंडर, किसी के भी साथ अपनी रिलेशनशिप बना सकते हो। रिमेंबर हमारे यहाँ अभी मैरिज लीगलाइज नहीं है, गे से गे मैरिज नहीं कर सकता है, वो उसके साथ रह सकता है बस, शादी अभी अलाउड नहीं है इंडिया में। अच्छा इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर इसके अलावा अगर आप माइनर्स के साथ, बच्चों के साथ या एनिमल के साथ आप कंसेंट किसी भी तरह का सेक्स करते हो तो वो अलाउड नहीं है, दे आर अगेन पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 377। वो है, इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा इस ये सेक्शन के बाद ही एलजीबीटी कम्युनिटी दे हैव गॉट देयर रेनबोज, उनको इसके बाद ही उनके राइट्स मिलना शुरू हो गए, गवर्नमेंट ने उनको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया एज अ थर्ड जेंडर, वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जॉब्स में और हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। बिफोर वाइंडिंग अप मैं आपको बता दूं, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी बोलती है कि अगर आप में ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं लड़कों को लड़की की, लड़की 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 को पसंद करती है तो दे आर नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, आप पागल नहीं हो या मेंटल डिसऑर्डर नहीं है आपको अगर आप में इस तरह की कुछ फीलिंग्स आती हैं। उन्होंने डायरेक्टली कहा है सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज बायोलॉजिकल, बचपन से आता है आप में जो है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ डेवलप होती है प्रॉब्लम्स, उसके कारण आप इस तरह से कुछ बन जाते हो एलजीबीटी की कम्युनिटीज में। और एक और चीज़, अगर मेरा बिहेवियर एक मैन की तरह है, मैंने अपना जेंडर चेंज भी करा दिया तो अंदर से वो फीलिंग्स नहीं जाती हैं। देखो देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड बाय ट्रीटमेंट, होमोसेक्सुअलिटी कोई डिसऑर्डर नहीं है, रिमेंबर दिस। इसी के कारण, और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो इसी को उठा के और वेरियस इंटरनेशनल एरेना पे आप जाएंगे तो पता चलेगा आपको लगभग 125 कंट्रीज ने एलजीबीटी कम्युनिटीज को होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया है इंक्लूडिंग इंडिया, और लगभग 27 के आसपास 27 कंट्रीज हैं जिन्होंने गे मैरिज को भी लीगल कर दिया। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके फैमिली में कहीं भी आसपास अगर आप इस तरह की कम्युनिटीज को देखते हो तो अप्रिशिएट देम बिकॉज दे हैव नॉट गॉट इट व्हाट दे आर एक्चुअली, सब कुछ नेचुरल है उनको जो भी मिला हुआ है। आई गेस द टॉपिक इज इनफ, अगर आपको इससे रिलेटेड और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड किसी भी तरह के नोट्स चाहिए तो एक नीचे नंबर मिलेगा उस पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर दीजिए, आपको बेस्ट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।